नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे अपना हरियाणा की। हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार कोशिशें कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोशिश का ही असर है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चंडीगढ़ में एक सम्मेलन आयोजित किया है। यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात की है, तो वहीं मनोहर लाल ने हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार से मदद की अपील की है। नशे की गिरफ्त से हरियाणा होगा दूर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोशिश लाएगी रंग। चंडीगढ़ में सम्मेलन कर नशे को रोकने का संदेश। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सम्मेलन में पहुंचे अमित शाह। मनोहर लाल ने की तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। हरियाणा को नशा मुक्त करने की दिशा में मनोहर सरकार लगातार बड़ा कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के सामने दिल्ली और पंजाब सरकार की शिकायत की है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अमित शाह से कहा है कि वो ही इसका हल निकाले, क्योंकि इससे हरियाणा का बहुत नुकसान हो रहा है। प्रदेश के युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। उन्होंने कहा है इसकी रोकथाम के लिए केंद्र सरकार मदद कर सकती है। दरअसल चंडीगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। नशीले पदार्थों के नियंत्रण पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 30,000 किलो से अधिक जब्त की गई दवाओं को 4 जगहों पर नष्ट किया गया। इससे पहले चंडीगढ़ पहुंचने पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर और चंडीगढ़ प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने गृह मंत्री का स्वागत किया। इस सम्मेलन में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मंच पर मौजूद थे। सम्मेलन में हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य में नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए सरकार ने रणनीति बना ली है, जो आने वाले समय में कारगर रहेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है भारत दुनिया का सबसे युवा देश, युवा हमारी बहुत बड़ी ताकत है, नशे की समस्या को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि पंजाब और दिल्ली के साथ लगते जिलों में नशा की समस्या बन रही है। हरियाणा में दूसरे राज्यों से ड्रग की खेप आ रही है। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने कहा है हमारी पुलिस ने दूसरे राज्यों तक जाकर कार्रवाई की है। हरियाणा में 142 नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं। हर जिले में सिविल अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। अंतरराज्यीय तस्कर गिरोह से निपटने के लिए पंचकुला में अंतरराज्यीय एंटी ड्रग सचिवालय बनाया गया है, जहां उत्तरी भारत के 8 राज्य सूचनाएं साझा करते हैं। मनोहर लाल ने कहा है हमने हरियाणा राज्य में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना भी की है। युवाओं की क्षमता का सकारात्मक प्रयोग करने के लिए खेलों को बढ़ावा दिया गया है। गांव स्तर तक व्यायाम शालाएं खोली गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे कहा है कि बैन दवाओं का इस्तेमाल नशे के रूप में किया जाता है। उन्होंने इन दवाओं को बैन करने की मांग की है। साथ ही कहा है कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए
जिससे पड़ोसी राज्यों का नशा प्रदेश में न आ सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ किया है कि हरियाणा के दूसरे राज्यों के साथ लगते जिले प्रभावित हो रहे हैं। पंजाब और दिल्ली के साथ लगते जिलों में नशा एक बड़ी समस्या है। हरियाणा में दूसरे राज्य से ड्रग की खेप आती है। नशे के खिलाफ उन्होंने कई बड़े कदम उठाए हैं। हर महीने एनडीपीसी एक्ट में 200 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पिछले एक साल में अब तक 2661 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जून 2022 तक 243 ड्रग तस्करों से करीब 32 करोड़ की काली कमाई जब्त की गई है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से आग्रह किया है कि ठोस रणनीति के साथ नशा तस्करों के खिलाफ मजबूत कार्रवाई करें। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से कार्यभार संभाला है तब से नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव को देखते हुए इसको खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके बेहतर परिणाम भी आ गए हैं। कई विभागों के साथ मिलकर एनसीबी के माध्यम से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। सम्मेलन के माध्यम से कुछ नतीजे जो 8 साल मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चली, अनेक प्रकार के परिवर्तन किए हैं, मगर नतीजे जो आए हैं मैं बताना चाहता हूं। कुछ कुल मामले जो रजिस्टर हुए हैं इसमें लगभग 200% की वृद्धि हुई। यही 7 साल के कार्यकाल में कुछ अरेस्ट में जो अरेस्ट उसमें 260% की वृद्धि हुई। क्वालिटी केसेस में 800% की वृद्धि हुई है। ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे भगवान मान जी ने बताया, एलजी जम्मू कश्मीर ने भी, जो बच्चा ड्रग ले लेता है वो तो बेचारा विक्टिम है। इस पर कठोरता कर क्या प्राप्त कर, ड्रग जो उनको पहुंचा रहे हैं वहां पर कठोरता। मैं क्वालिटी केस की बात करूं तो 100% बढ़ोतरी हुई, और सीज ड्रग की बात करिए तो 1.52 लाख केजी ड्रग पहले 2006 से 2013 के बीच में पकड़ा गया था, 14 से 21 के बीच में 3.3 लाख किलो ड्रग पकड़ा गया, 2 गुने से भी ज्यादा है। परंतु ड्रग की क्वालिटी में भी अंतर। जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है, जो सबसे ज्यादा शरीर को और समाज को खोखला कर देता है, वो ड्रग पर हमने ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है, इसलिए मूल्य में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। गृह मंत्री ने कहा है अकेले गृह मंत्रालय ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। जो बच्चे इस दलदल में फंसे हैं उन्हें इससे दूर कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। गृह मंत्रालय कठोरता से ये लड़ाई लड़ रहा है। हमने बहुत से सुधार किए हैं, राज्यों को साथ जोड़कर जरूरी कदम उठाए हैं। फॉरेंसिक साइंस की सबसे अच्छी लैब उपलब्ध हो इस पर भी काम किया जा रहा है। कानून को कठोर करने के लिए सबके साथ बातचीत चल रही है। इस समस्या से मुकाबला करना है वो एजेंसी डिस्ट्रिक्ट में बैठे, तो डिस्ट्रिक्ट जिला स्तरीय एनकोर समिति की बैठक के ठीक हो, सारे मुख्यमंत्री और गवर्नर साहिबान यहाँ बैठे हैं। मेरा आप सबसे भी निवेदन है, आपके अति व्यस्त कार्यक्रम में आप सप्ताह में 3 घंटा और 30 दिन में 1 दिन नार्कोटिक्स के लिए लगा दें तो मुझे लगता है कि अभियान बहुत तेजी के साथ। मैंने भी मेरी डायरी के अंदर एक टाइम नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के लिए फिक्स। ये अप्रोच जब तक हम नहीं लेंगे, ये कल्चर हमारी ऑफिस से शुरू नहीं होगा तब तक ये परकोलेट नहीं होगा। अगर हमारी ऑफिस से शुरू होता है तो अपने आप डिस्ट्रिक्ट तक चला जाएगा, और जिस दिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय एनकोर समिति एक्टिवेट हो गई और परिणाम लाने लगी तो मल्टी डायमेंशनल परिणाम आएंगे और बहुत तेजी से परिणाम आएंगे। मित्रों, एक राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन के निर्माण की आवश्यकता थी। एनसीबी ने मानस हेल्पलाइन के लिए एक प्रयास चालू किया है। मुझे आशा है कि कुछ ही दिनों में हम इसको जनता के सामने रख देंगे। मुझे बहुत खुशी है मित्रों कि 21 राज्यों में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन भी करो, और इस क्योंकि सार्वजनिक कार्यक्रम है मैं सभी राज्यों के
मुख्यमंत्रियों को और मुख्य सचिवों और डीजीपी को अनुरोध करना चाहता हूं, जो राज्य बाकी रह गए हैं वो जल्दी गठन करें, और जहां गठन हुआ है तो स्पिरिट को नीचे तक ले जाने के लिए उसको एक्टिवेट होने का हम काम करें। ड्रग और डार्कनेट पर लगाम, ये हमने बहुत तेजी से एक ऐसा एरिया है जहां भी बहुत काम करने की जरूरत है। फिलहाल केंद्र सरकार की मदद से हरियाणा सरकार की कोशिश है नशे के खिलाफ हरियाणा को बड़ी जीत मिले, जिससे हरियाणा के युवा नशे की दुनिया से निकलकर अपना फोकस खेल या अपनी पढ़ाई पर कर सके और एक उज्जवल भविष्य बना सके। ऐसे में देखना होगा क्या केंद्र सरकार की कोशिश से पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों की सख्ती के बाद हरियाणा में नशे की खेप और तस्करी रुकेगी और मनोहर लाल का हरियाणा को नशा मुक्त बनाने का सपना साकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और अपना हरियाणा में इतना ही, देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।